हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं आज आई हूँ कहाँ? यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हो सब? मैं आई हूँ गुड़गांव दीदी के यहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके साथ एक ब्लॉग बनाया जाए आफ्टर मैरिज। कैसी लग रही है ना? बिल्कुल गजब। गजब तो मैं हुई, क्या गजब लगूंगी। चेंज लग रही है बहुत ज्यादा। तूने बिंदी नहीं पहनी? मांग बहु मांग सी टीका लगा लिया। अच्छा, तो अभी हम दिन में सोए थे थोड़ी देर, और अभी हम जाते हैं पहले बाहर, थोड़ा कुछ खा के आते हैं, इसको खिला के आती हूँ। ये बोल रही शादी की पार्टी, इतनी इतनी बड़ी पार्टी खिला दी मैंने शादी में। बोल रही शादी की पार्टी, बोल रही मेरे से पार्टी ले रही है। हाँ तो तूने बोला था? मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला था? तू आ, मैं तुझे पार्टी कराऊंगी। खाने के पे तो पानी ऐसा नीचे का आता है, ऐसे नीचे आता है। सामने कुछ और बोलती है वरना मुकर जाती है। अभी से लेके जा रही हूँ। अब क्या करूँ? प्रॉमिस किया ना, प्रॉमिस मैं पूरा करती हूँ हर किसी का। चले फिर, चल ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। और यहाँ पता रूम पे हीटर चल रखा है, मजा आ रहा है। हाँ? गरम गरम हो रखी है। एक तो ये पिंपल मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, एक अगर जाता है तो फिर दूसरा आ जाता है। मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। और अब तो मैंने इन पे ध्यान देना भी छोड़ दिया है। मैंने सोचा कि अब होता है तो अपने आप सही भी हो जाता है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, वरना और ज्यादा खराब लगता है, उससे दाग पड़ जाता है। अभी हम लोग दिन में सो के उठे थे, तो अभी मैं थोड़ा नींद में ही हूँ। अब जाते हैं हम दीदी के साथ थोड़ा बाहर घूमने। जाने का मन नहीं करा, गरम गरम हो रहा रूम एकदम, हीटर चल रखा है, मजे आ रखे हैं। चले फिर, चल रही है तो सारे टेस्ट करवा लेना, ठीक हो गया उसका? क्या हो गया? विदुषी के सारे टेस्ट करवा लेना, ठीक हो गया दी? चलना चलता। ओ बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ खाना खाने के बाद मैं और दीदी चले गए कुछ मीठा खाने के लिए, क्योंकि ना मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था। तो ऑप्शन था हमें रसमलाई खाएं या फिर रसगुल्ला, तो हमने रसगुल्ला चूज किया, स्पंज वाला, बहुत अच्छा था वो। तो दीदी ने मेरे को खिलाया था, बोल रही थी कि ये मेरी तरफ से हो गया सारा आज का। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी दीदी ने बोला था आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो मैंने बोला ठीक है। बाहर से आने के बाद फिर मैं लग गई थोड़ा काम पर, और पता है दीदी की जो रूममेट है वो भी बैठी हुई थी। मैंने उनकी भी वीडियो बनाई, वो ऐसी जो हीटर लगा रखा था उसके आगे बैठे हुए थे हम सब लोग, क्योंकि ना गर्म हो रखा था, रूम भी अच्छा लग रहा था। और दीदी और मैं ना अपोजिट साइड बैठे हुए थे और लड़ रहे थे आपस में ऐसे ही मजाक में। मस्त हो रखे है फोन में। हाँ क्या था ये? ये ये दी सो रखी है। हेलो बोल दो। अब बाद में बोल रही है। और दीदी लगी थी बातों में, फोन में लगी थी वो। तो ऐसा हो सकता है क्या दो बहनें जहाँ वो लड़ाई ना हो? मैं दीदी से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। मेरे को मजा आता है दीदी को चिढ़ाने में। किस किस को ऐसा होता है अपनी बहन के साथ, कौन कौन इतने लड़ाई करता है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो बहुत लड़ाई करती हूँ, जब भी जाती हूँ ना मेरी डेली लड़ाई होती है उससे, बट बिना बोले भी रह नहीं पाते हैं। सो गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।